नमस्कार, दिनभर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, हजारों श्रद्धालुओं ने पालकी साहिब में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आज पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल एवं सरकारी कार्यालय का कराया गया भ्रमण। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर में पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सह पारा मेडिकल छात्रों ने 15 दिन का प्रशिक्षण को रोक लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। किया उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर टेलको से निकली भव्य नगर कीर्तन साची गुरुद्वारा में पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पालकी साहिब को माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के तत्वावधान में अत्यंत गरिमामय रूप से नगर कीर्तन सही समय व पूरी मर्यादा से संपन्न हुआ। बुधवार को शहर के कई गणमान्य लोगों ने टेलको गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका व गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व समाजसेवी अमरप्रीत सिंह काले ने समस्त भारतवासियों को गुरु महाराज जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा, शौर्य, तप, त्याग, वीरता और समर्पण के प्रतीक सिख धर्म के 10वें गुरु व खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी को आज पूरा राष्ट्र उनके तप व बलिदान के लिए कृतज्ञता अर्पित करता है। उनके श्री चरणों में शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने देश व धर्म की रक्षा के लिए एक अद्भुत मिसाल कायम करते हुए अपना पूरा परिवार शहीद करवा दिया, जे लेकिन जुर्म व प्रताड़ना के खिलाफ डट कर संघर्ष किया, धर्म की लड़ाई में फतेह हासिल की। श्री काले ने कहा, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते हुए ऊंच और नीच की दीवार को सदा के लिए दफन कर दिया, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस मौके पर श्री काले ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को व उनके सभी पदाधिकारियों, सभी गुरुद्वारा समितियों, स्त्री सत्संग सभा, सिख नौजवान सभा व तमाम संगठनों के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने नगर कीर्तन में सेवा की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन व समस्त शहरवासियों को धन्यवाद दिया। पावन प्रकाश पर्व में लोह नगरी में आप देखेंगे सर्वधर्म संभाव, सभी जाति सभी धर्म के लोग लाखों की संख्या में अपने गुरु को, अपने उस शिष्य को, अपने उस परम पिता परमेश्वर के भेजे हुए उस महासंत को, उसको महान संत सिपाही कहा गया है, वैसे महान शख्सियत के चरणों में कोटि कोटि नमन करने के लिए, कृतज्ञता अर्पित करने के लिए उस महान शख्सियत को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा जिसने अपने दादे को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने चारों पुत्रों को और स्वयं को बलिदान कर दिया इस राष्ट्र के लिए और इस धर्म के लिए, कायरता को आंखें दिखाते हुए धर्म के रक्षा के लिए और जुल्म के खिलाफ, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त संघर्ष करने का जो ऐलान किया दशमेश पिता तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, हम सभी वंशज हैं, आज उनके वो नमन करते हैं और ये संकल्प लेने का दिन है आज ही कि हम अपने इतिहास को भूलेंगे नहीं। जो लोग अपने इतिहास को भूलते हैं वो मिट जाते हैं, चाहे वो सिख कौम हो, चाहे वो गैर सिख कौम हो, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए हिंद की चादर और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस ऐतिहासिक महापुरुष को आज नमन करने के साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्पित होने का दिन है। हम सब आज प्रण भी करते हैं इस प्रकाश पर्व के दिन सभी संगत कि हम उस महान गुरु के बताए हुए जो रास्ता है कायरता को सदैव आँख दिखा करके हमेशा धर्म के लिए और इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जो जज्बा गुरु ने हमें सिखाया है, वो पगड़ी हम बांधे हैं तो पगड़ी यूं ही नहीं बांधे हैं, पूरे समस्त विश्व आज ब्रह्मांड उस पगड़ी की लाज रखते हुए हम सबको संकल्पित होने का, ये दशमेश पिता के हम संतान हैं और हम संकल्पित होते हैं, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस महान पुरुष के आज प्रकाश पर्व के दिन। और मैं धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, इतना सुंदर शानदार और गरिमामय आयोजन जो होता है कहीं आपको अव्यवस्था दिखेगी नहीं, टोटल वॉलंटियर काम करते हैं, हमारे सिख नौजवान सभा, हमारी स्त्री ससंग नौजवान सभा, सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी, और आप देखेंगे कितने टाइम से जो हमारे रोड में
जो भी कुछ गिरा हुआ आप देखेंगे सभी को साफ करने का हमारा संकल्प होता है, और केवल रोड को साफ नहीं करने का, अपने दिल को अपनी आत्मा को भी साफ करने का यह अवसर होता है। और हम सब उस गुरु को चरणों में कोटि कोटि नमन करने के साथ कृतज्ञता अर्पित करते हैं। समस्त भारतीय समुदाय के लोग, पूरे विश्व के लोग ऐसे महान शख्सियत के चरणों में कोटि कोटि हम नमन करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया। और हम आने वाले समय में पूरे विश्व में अगर इस प्रकार की अराजकता को अगर हम झेल पाएंगे तो गुरु के बताए हुए उपदेश को मानते हुए ही ये सशक्त मार्ग का निर्माण कर पाएंगे। पुनः लोह नगरी वासियों को, समस्त झारखंड वासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व को आज तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की ओर से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर की ओर से लख लख बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आज पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालय का भ्रमण कराया गया। साथ ही बच्चों के बीच कई सामग्री का वितरण भी किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पूरे राज्य में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के झाटी झरना स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पिछले दिनों सीनियर एसपी के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सीनियर एसपी ने जाना कि जमशेदपुर में रहने के बावजूद यहाँ के बच्चे जमशेदपुर स्थित महत्वपूर्ण स्थलों से अनभिज्ञ हैं, सरकारी कार्यालय से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में सीनियर एसपी की पहल पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र जैसे जुबली पार्क, चिड़ियाघर, अन्य स्थलों का भ्रमण कराया गया। साथ ही विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण कराते हुए विभिन्न पदाधिकारी से मुलाकात करवाई गई। जानकारी देते हुए सीनियर एसपी ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज भी पूरी तरह से जमशेदपुर में रहने के बावजूद बहुत सारी जानकारी से वंचित हैं। ऐसे में आज इन्हें भ्रमण करवाकर इनके बीच सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। पहल की गई है जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सुदूर क्षेत्रों में जाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वहां पर आयोजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के गेम्स भी हम लोग आयोजित करते हैं। इसी क्रम में झांटी झरना क्षेत्र में जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है वहां भी एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया गया। उसी दौरान ये भी कई बार बच्चों से बात करते समय ये बात आई कि बहुत सारे बच्चों का जमशेदपुर ज़िले में रहते हुए भी ज़िले के जो कई महत्वपूर्ण स्थान हैं वहाँ पर उनका अभी तक जाना नहीं हुआ है। तो इसी क्रम में एक प्रकार की एक पहल की गई है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, छठी से लेकर के दसवीं तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर के यहाँ पर लाया गया है और कुछ ज़रूरत का सामान भी उनके बदले वितरित किया गया है। और साथ ही साथ उनको जुबली पार्क और जो जू है और बाकी जो महत्वपूर्ण संस्थान है या महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक कार्यालय है वहाँ पर भी जो है इनको विभिन्न पदाधिकारियों से भी हम लोग मिलवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर एक प्रकार से मोटिवेशन बना रहे। और उनसे बात करके भी यही समझ में आया कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे किताबें वितरित की जा रही हों या यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार हुआ है, तो उसको लेकर के बच्चों में अवेयरनेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और जीवन में आगे बढ़ने की एक ललक कहीं ना कहीं सब में दिखती है। तो उसी पहल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए प्रशासन का भी, पुलिस का भी एक प्रयास है। झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2 साल के कोर्स को 15 दिनों में पूरा करा निबंधन किया जा रहा है। इससे पैरामेडिकल छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को पैरामेडिकल छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पैरामेडिकल छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। पैरामेडिकल छात्रों का कहना था कि उन लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है और साथ ही 1 साल के इंटर्नशिप को भी पूरा किया है, जिसके बाद वे लोग अनुबंध पर काम कर रहे हैं। अब झारखंड सरकार द्वारा पैरामेडिकल छात्रों को स्थायी करने के लिए कुल 600 से ज्यादा पद निकाले गए हैं, जिसके लिए झारखंड में निबंधन होना आवश्यक है। पूर्व में जिन लोगों ने राज्य के बाहर 6 माह का कोर्स किया है उन्हें मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर उनके बराबर का ही दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड में उनका निबंधन भी करा दिया जा रहा है। अब पैरामेडिकल छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो 2010 से पहले 12th पास आउट किया है और जो 1994 से पहले मैट्रिक किया है वही एलिजिबल है सर इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो सर फिर 2023 में वैकेंसी क्यों निकाला सर? उसमें तो हम लोग बैठ नहीं सकते सर,
मतलब हमारे चाचा दादा सबको ये नौकरी देंगे, हम लोग क्या करेंगे फिर सर? हम लोग का तो भविष्य तो अंधकार में है सर। हम लोग तो अभी टोटल मतलब सर एमजीएम हो गया हमारा, ये एसएनएमसीएच धनबाद हो गया और रिम्स हो गया सर, वहाँ के टोटल स्टूडेंट 600 मिलाकर होते हैं सर। विरोध कर रहे हैं सर कि ये जो नियमावली निकाला गया है वो सरासर गलत है सर। हम लोग पहले 12th के बाद एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है पैरामेडिकल के लिए, उसके बाद हमारा एक साल का कॉलेज में पढ़ाई होता है, एक साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद इंटर्नशिप होता है। हम लोग 3 साल का यहाँ पे पूरा पढ़ाई होता है पैरामेडिकल का। अभी 15 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है कुछ लोगों को, जो कि सही नहीं है। नमस्कार, केपीजी नायर, चेयरमैन केरल समाज मॉडल स्कूल। केरल समाज मॉडल स्कूल का तरफ से 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए हर झारखंड निवासियों को, स्पेशली जमशेदपुर निवासियों को हमारा तरफ से और केरल समाज मॉडल स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जमशेदपुर में जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मैत्री महासम्मेलन सर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। वैसे आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव है और इसी वर्ष झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से प्रत्येक इकाई को मजबूत करने में जुटी हुई है। सम्मेलन में मंत्री बन्ना गुप्ता ने तमाम महिलाओं को पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही नए पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। कई वरिष्ठ महिला नेत्रियों को यहां सम्मानित किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने महिला शक्ति को राजनीति के क्षेत्र में अहम बताया। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में देश भर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे सरकार को अगले चुनाव में जनता दरकिनार करेगी और कांग्रेस पार्टी को आगे लाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो महिला कभी निराश्रित नहीं होती है। यदि 5 साल की छोटी बच्ची भी है, उसके अंदर ये संस्कार होता है कि वो एक छोटी सी गुड़िया को भी अपने सीने से लगाकर सहारा देने का काम करती है। माँ कितनी भी ठंड से ठिठुरती है, अपने आंचल में अपने बच्चे को समेट लेती है। माँ कितनी भी भूखी होती है, लेकिन अपना खून पिलाकर बच्चे को जवान करती है। तो महिला निराश्रित नहीं होती है, वो आश्रयदात्री होती है। अब महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, कैसे उनको राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस भूमिका को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से सक्रिय किया जाए, आदि आदि विषय पर हमारा जो है महिला जो हमारा संगठन है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है छोटी बहन गुंजन सिंह के नेतृत्व में पूरे राज्य में दौरा कर रही हैं और दौरा करके हर जगह महिलाओं को एकजुट कर रही हैं, सशक्त कर रही हैं और विभिन्न जगह पर कहां पर वो हमारी बहनों को काम मिल जाए, कहां पर वो सामाजिक जीवन जिए, कहां पर उनको राजनीतिक महत्व मिले, आदि आदि विषय पर एक चर्चा हो रही है और चर्चा के उपरांत निश्चित तौर पर एक अच्छा आउटपुट निकलेगा और आउटपुट के माध्यम से हमारी महिला का सशक्तिकरण होगा। सरायकेला खरसावां जिले के चांदिल प्रखंड स्थित जायदा मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय मेला में आजसू पार्टी की ओर से सहायता शिविर लगाया गया है, जहां बुधवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं चाय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरेलाल महतो ने आजसू पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं संग जायदा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जायदा स्थित शहीद वेदी पर हरेलाल महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरेलाल महतो ने कहा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आयोजित ऐतिहासिक प्राचीन जायदा मेला में आजसू पार्टी की ओर से लगाए गए सहायता शिविर में आमजनों के बीच 1001 कंबल तथा चाय वितरण कार्यक्रम किया गया। वहीं सुवर्णरेखा चांडिल डैम के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को जायदा शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर जायदा के शिविर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कुछ जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो द्वारा अपने सिली विधानसभा क्षेत्र में स्टूडेंट्स एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। स्टूडेंट्स एक्सप्रेस की अपार सफलता के लिए सुदेश कुमार महतो को समस्त झारखंड वासियों की ओर से बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। हरेलाल महतो ने कहा कि 2024 चुनाव में यदि जनता का आशीर्वाद और सहयोग आजसू पार्टी के पक्ष में रहे या न रहे, आजसू पार्टी की ओर से सिल्ली की तर्ज पर ईचा विधानसभा क्षेत्र में भी स्टूडेंट्स एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जाएगा। पार्टी के द्वारा पार्टी का
टेंट में हम लोग असहाय गरीब गांव के बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी सबको अपना निजी स्तर से अभी जो ठंडा कनकनी से बहुत बड़ा सबको कम्बल दिखाई दे रहा है। श्री श्री दक्षिणेश्वर सार्वजनिक काली पूजा समिति ईस्ट प्लांट बस्ती बर्मा माइंस द्वारा काली मंदिर से बुधवार को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा ईस्ट प्लांट बस्ती से निकलकर सांची से होकर दुम्हानी पहुंची। वहां कलश में जल भरने के पश्चात वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। उसके बाद नवनिर्मित मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलेगा। मौके पर मंदिर के अध्यक्ष गलविंदर सिंह ग्वाले ने बताया कि दो दिवसीय मां काली की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। 17 जनवरी को मां की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। 18 जनवरी को पुनाहुति और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। ग्वाले ने बताया कि मां काली की प्रतिमा जयपुर से मंगाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पंडित प्रशांतो गोस्वामी अपने सहयोगी के साथ संपन्न कराएंगे। उन्होंने बताया कि यहां 1936 में हमारे पूर्वजों द्वारा मां काली की पूजा की शुरुआत की गई थी। हम लोगों द्वारा 1990 से नियमित रूप से मां काली की पूजा विधि विधान से की जा रही है। पिछले 10 वर्ष पहले से लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। आज सुबह 7:30 बजे से कलश यात्रा है प्रधान था, जो सुबह हम बस से डंका लगाने के साथ दुम्हानी मंदिर दुम्हानी नदी के वहाँ से लेने के बाद पहुँची होटल के यहाँ से यात्रा करके सब मंदिर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल महाभोग का कार्यक्रम है, क्योंकि पूजा शाम रात तक पूजा होती है। उसके बाद कल महाभोग का आगामी 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ देश भर में उत्साह है, वहीं जमशेदपुर में भी इसको लेकर अलग अलग कई आयोजन किए जा रहे हैं। सोनारी राम मंदिर समिति द्वारा दो दिवसीय विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। एक वार्ता के तहत इसकी जानकारी मंदिर कमेटी ने दी। इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और जमशेदपुर में भी इस दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। 21 जनवरी को मंदिर परिषद से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी, जिसके बाद पूजन होगा। वहीं 22 जनवरी को रंगोली प्रतियोगिता होगी, जिसका थीम प्रभु श्री राम पर आधारित होगा। साथ ही संध्या बेला में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 11,000 मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, जिसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। इस आयोजन में क्षेत्र के तमाम अखाड़ा एवं दुर्गा पूजा समिति के अलावा कई सामाजिक संगठन भी इस पुनित कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सोनारी राम मंदिर के तरफ से 22 तारीख को जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पश्चात रामलला का जो पूजा पाठ होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम राम मंदिर सोनारी की ओर से 21, 22, 23 तीन दिन एक भगवान का चरण में कुछ प्रोग्राम अर्पण करना चाहते हैं हम लोग। और इसके मुताबिक 21 तारीख को एक शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें कलश यात्रा में महिलाएं पुरुषों सबको इसमें सम्मिलित होंगे और ये राम मंदिर से लेकर दुम्हानी में जाएगी। दुम्हानी में जाकर जल लेकर आएगी, फिर उसके बाद पूजा तत्पश्चात पूजा पाठ प्रसाद वितरण होगा। 22 तारीख को जो सनातन धर्म के जो नियम है उसके मुताबिक 22 तारीख को पूजा पाठ होगा और 11,000 दिया का प्रज्वलन किया जाएगा तथा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 23 तारीख को दरिद्र नारायण भोजन गरीबों को लिए हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। यही शॉर्ट में हम लोग का प्रोग्राम है और हमारा उम्मीद है और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि शहरवासियों इस शुभ अवसर पर अपना आस्था को देखते हुए, संस्कृति को देखते हुए इस राम मंदिर में आए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।